continue with the polarization. So let's start here. Polarization, as we all know, light is constrained. The light is in the form of electromagnetic waves. इस तरह के जो waves होते हैं इसको electromagnetic waves कहते हैं. These are the waves which are electromagnetic waves. यहाँ पर जो wave दिखाया गया है, this wave is having एक yellow color का है और एक blue color का है. Okay? तो इसमें से एक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड वेव और दूसरा होगा मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड वेव. इसीलिए इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. द रीजन बीइंग एक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा होगा मैग्नेटिक फील्ड. समझिए कि यहाँ पे अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये जो ब्लू वाला है, द वन विद ब्लू कलर, इट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड B bar. Is that clear? So this is the kind of wave. Actually, ये जो waves होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं? We know that the light is emitted by atoms. Rahul, तुम्हारा ध्यान नहीं है. Please come forward. If you refer the textbook, तो textbook में there are few things which I would like to talk about here. Light आता कहाँ से है basically? When we say light आ रहा है, वो कहाँ से आता है light और क्यों आता है? Do we know the fact? Light जो आता है वो क्यों और कहां से आता है? We also know that the light is emitted by atoms. ठीक है, atoms जो होते हैं they vibrate, oscillate. और फिर वहां से जो वेव्स निकलते हैं दोज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड. सो द लाइट इज एमिटेड बाय द एटम्स. जो भी लाइट एमिटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइट सोर्सेस होते हैं, तो वहां से लाइट इज एमिटेड बाय दीज एटम्स. वी से इज दैट क्लियर. और दूसरी बात, इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग वाई एक्सिस. ऐसा होता है. तो यहां पर लाइट जब आता है तो उसके दो फील्ड्स होते हैं. तो देर आर टू वेव्स विच आर साइमल्टेनियसली दे आर गोइंग हैंड इन हैंड. वन वेव इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, द अदर वेव इज रिलेटेड टू द मैग्नेटिक फील्ड. इसलिए एज अ कंबाइंड दिस वेव इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इज दैट क्लियर? ठीक है. नहीं, दैट इज नॉट अ डेफिनेशन. अब देखिए, मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सपोज एक मटेरियल है, उसमें से एक एटम जो है, देर इज वन एटम which is giving, let us go back here. So ye jo wave hai, this wave is emitted by one atom. This wave is emitted by one atom which is vibrating. Ab wahi par dusra atom jo hai wo kisi alag plane mein vibrate ho raha hoga. So it may be giving out the wave in some other direction. Are you understanding what I'm trying to tell you here? Yeah, don't get disturbed and don't disturb. Please be focused. Time and again, I'm telling you the same. एक एटम ये वेव दे रहा है, ठीक है? We know that the waves are given out in all the possible directions. ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर this is the direction of ray of propagation. मतलब light is traveling in this direction. We say ये इस direction में light जा रहा है. और यहाँ पर दिखाया गया है this electric field in all possible directions. जरूरी नहीं है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी दिखाए. वी हैव शोन हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, शायद समझो कि ब्लू कलर से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे दिखा दिया है. आई जस्ट चेंज दिस ऑर्डर. इसे मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इसे मैं बोलूंगा मैग्नेटिक फील्ड. इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है. तो मैं ये बताने की कोशिश करूँ, आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि एक एटम जो है वो शायद इस डायरेक्शन में वेव गिव आउट कर रहा है, दूसरा एटम इज गिविंग द वेव इन द अदर डायरेक्शन, तीसरा एटम इज गिविंग इन द अनदर डायरेक्शन, चौथा एटम. सो देर आर इन्फाइनेटली मेनी एटम्स एंड दीज एटम्स आर गिविंग दीज गिविंग आउट दीज वेव्स इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस, इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस. इज दैट क्लियर? सो लाइट एमिटिंग सोर्स जो होता है, इट विल गिव आउट द लाइट. सन जो होता है, इट विल गिव आउट द, और कैंडल बोलो, ट्यूबलाइट बोलो, ठीक है? तो इट इज गिविंग आउट द waves in all the possible directions. Such a wave
is called as unpolarized wave. Now, so let us say that this wave is traveling in this direction. We are considering a particular ray of light. तो यहां से जो ray of light है ये ऐसा जा रहा है. अब यहां पे actually unpolarized light, इसे मैं unpolarized light कह सकता हूं. यहां पर हमने actually 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इतने ही दिखाए हैं, but actually speaking वहां पर कितने सारे होंगे waves? Infinitely many. Are you understanding that? एक वेव इस प्लेन में जा रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर सिर्फ बात करें, मैग्नेटिक फील्ड की भी कर सकते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली इलेक्ट्रिक. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस प्लेन. इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये 90 डिग्री वाला है. इट कैन बी 0 डिग्री वाला ऑल्सो, 0.5 डिग्री वाला, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री. ठीक है. सो इनफाइनेटली मेनी वेव्स आर देयर. सच अ वेव इज कॉल्ड एज अनपोलराइज्ड वेव. अब इस वेव को हम एक फिल्टर के थ्रू पास करेंगे. We will pass this wave through a filter. ताके only the waves in the vertical plane are allowed to pass through. Is that understood? So what are we doing here? We are restricting the plane of vibration. We are restricting the plane of vibration. Is that clear? So if the light is constrained, so that its electric field is restricted along one particular direction. फॉर दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फिर उसको हम मैग्नेटिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड की भी बात कर सकते हैं. यहाँ पर हम हमारे कंसिडरेशन आसान हो इसलिए, समझना आसान हो इसलिए वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द इलेक्ट्रिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड. बट दैट डजेंट मीन दैट वी आर कटिंग आउट द मैग्नेटिक फील्ड. नो, वी आर रिस्ट्रिक्टिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वर्टिकल प्लेन. इसका मतलब है वी आर रिस्ट्रिक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन बिकॉज दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. Is that clear? Electric and magnetic field, they are mutually perpendicular to each other in the electromagnetic wave. Then this light is called as polarized light, and this process is called as polarization, and this filter is a polarizing filter. Unpolarized light, polarized light. Is that clear to you all? Sonia, unpolarized light dikhane ka ye ek tarika hai. This is the graphical way of representing the unpolarized light. It means that this light can have infinitely many planes of electric field vibration. Did you understand what I said here? Did you all understand what I said here? ठीक है. Now we are going to see the details of this, about this. So what are the polarizers? A polaroid, polarizer or इसे polaroid भी कहते हैं, is a kind of synthetic plastic sheet. वो एक synthetic plastic sheet होता है. मैं आपको दिखा दूँ, ये दे भेज दूंगा आप. ये मैंने सब textbook से ही उठाया है. ठीक है. So I don't know a single word out of the textbook. Trust me, शपथ. ठीक है. तो मुझे, हाँ, तो ये मैंने पूरा टेक्स्ट बुक से उठाया है, बस उसको मैंने पॉइंट वाइज फॉर्म में यहाँ पे दिया है जो मैं आपको भेजने वाला हूँ. तो फिर आप वो चेक कर लीजिए घर पे जाके कि सर को सही से बराबर आ रहा है, उसने वहीं से उठाया कि क्या, मतलब चेक कर लेना. अभी फिलहाल यहाँ पे ध्यान दो. इज दैट क्लियर? ठीक है. अ पर्टिकुलर डायरेक्शन अलॉन्ग विच द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इमर्जेंट वेव इज ओरियंट इज कॉल्ड एज पोलराइजिंग एक्सिस. मतलब क्या, यहाँ पे ये जो वर्टिकल एक्सिस होगा या वर्टिकल डायरेक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड एज पोलराइजिंग एक्सिस. ये दिस डायरेक्शन वी आर रेस्ट्रिक्टिंग इट इन द वर्टिकल डायरेक्शन. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पोलराइजिंग एक्सिस. इज दैट क्लियर? आई रिपीट, द पर्टिकुलर डायरेक्शन अलॉन्ग विच द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इमर्जेंट वेव इज ओरिएंटेड इज कॉल्ड एज पोलराइजिंग एक्सिस ऑफ द पोलराइजर. पोलराइजिंग एक्सिस ऑफ द पोलराइजर. When unpolarized light passes through the polarizer, emergent light क्या होगा? This is unpolarized light. It passes through the polarizing filter, polaroid, कुछ भी बोल सकते हैं उसको. ठीक है? So it is basically restricting. So it will pass, it will allow what? Polarized light to pass through. बाकी सारे lights जो होते हैं, बाकी सारे planes के light cut हो जाता है वो. ठीक है? छाननी के जैसे होता है. If you see the diagram here, आपको यहां पर डायग्राम से दिखाई देगा कि दिस इज द अनपोलराइज्ड लाइट, दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट. ये है अनपोलराइज्ड लाइट. इट पासेस थ्रू दिस फिल्टर और पोलरॉइड पोलराइजर एंड दिस इज द पोलराइजिंग एक्सिस. व्हेन इट पासेस थ्रू दैट, तो ये है. नाउ देयर आर टू प्लेन्स दैट वी आर कंसीडरिंग. एक है ए बी सी डी. कैन यू सी दिस प्लेन ए बी सी डी? ABCD is the plane which is containing the polarizing axis. हाँ, this is a 3D picture है ये. Goggle लगाओ. रुको ना.
ये जो है दिस पोलराइज लाइट, यहां पर पोलराइज लाइट आपको मिलेगा विच इज इन दिस प्लेन. अब यहां पर दो प्लेन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, वन प्लेन इज परपेंडिकुलर टू एबीसीडी एंड द अदर प्लेन इज एबीसीडी, करेक्ट? कैन यू इमेजिन? देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर इमेजिनेशन एक्चुअली, इट इज वेरी क्रिस्टल क्लियर. अब ये दो प्लेन्स है एंड आई सी दैट दीज टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. डू यू सी दैट द प्लेन एबीसीडी कंटेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑफ द प्लेन पोलराइज लाइट इज कॉल्ड एज प्लेन ऑफ वाइब्रेशन. एबीसीडी को हम क्या कहते हैं? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन. इज दैट क्लियर? दिस इज द प्लेन इन विच द वाइब्रेशन आर कैरिड, करेक्ट? इज दैट ओके? और एबीसीडी को जो परपेंडिकुलर प्लेन है दैट इज कॉल्ड एज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन. ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसी प्लेन में पोलरॉइड होता है, पोलराइजर होता है. पोलराइजर जिस प्लेन में रहता है उसे कहते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, करेक्ट? और उसे जो परपेंडिकुलर प्लेन होता है विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ द लाइट इट इज कॉल्ड एज प्लेन ऑफ वाइब्रेशन. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दैट अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, इज कॉल्ड एज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन. इज दैट ओके? मैं इसे दूसरा भी नाम दे सकता हूं, एक्चुअली प्लेन ऑफ द पोलराइजेशन विच पैरेलल टू दिस प्लेन इज पैरेलल टू पोलरॉइड, प्लेन ऑफ पोलराइजर. पोलराइजर का जो प्लेन है उसी को परपेंडिकुलर पैरेलल होगा ना ये. इज दिस क्लियर टू ऑल? पोलराइजर जेड है. एनी डाउट्स अबाउट दैट? समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं. इफ द पोलराइज लाइट इफ द पोलराइज लाइट इज मेड टू पास थ्रू अनदर पोलराइजर, इसके आगे और एक पोलराइजर लगा दो आप तो भी पोलराइज ही मिलेगा, करेक्ट ना? लेकिन देखिए गौर से, अब मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि इसके आगे समझो कि और एक हमने प्लेन रख दिया, ठीक है. आई विल ट्राई टू पुट वन मोर पोलराइजर हियर, इसी तरह का और एक पोलराइजर. लेकिन ये जो नया पोलराइजर होगा उसका एक्सिस अगर परपेंडिकुलर होगा तो, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? नहीं? नो? चलिए मैं आपको कुछ अलग तरीके, यहां से तो यहां पे जैसे कि मैंने बताया दिस इज द लाइट सोर्स, अनपोलराइज लाइट, पोलराइजिंग एक्सिस और पोलरॉइड. यहां पर लाइट आगे पास हो गया. इसके आगे जो है वो अगर मैं ऐसा वाला पोलराइजर लगाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आ रहा है. एज इन आई टेल यू वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट हियर. एक्चुअली ये एक कार्डबोर्ड है, इस कार्डबोर्ड के अंदर एक स्लिट बनाया है इस तरह का, ठीक है. और यहां से एक स्ट्रिंग इज पास थ्रू दिस, ठीक है. दिस स्ट्रिंग इज अटैच टू द वॉल, दीवार को यह फिक्स किया गया है. ये क्लियर? तुम्हारा ध्यान नहीं है, बड़बड़ बंद, कीप योर माउथ शट. हाँ, नाउ यू टेल मी वन थिंग, दिस इज इक्विवेलेंट टू द पोलराइजर. तो इसका स्लिट जो है, दिस स्लिट अलाउज ओनली द प्लेन वेव्स इन द वर्टिकल प्लेन टू पास थ्रू. इधर देखने का, सिर्फ इधर देखने का. If we try to move it in this plane, तो इस प्लेन का जो वेव है वो क्या वो वहां से पास होगा? कैसे? हाँ, it will allow only the vertical waves to pass through, slit जो दिख रहा है वो. So if I try to move it or shake it in any other plane, अगर मैं उसे vertical plane में move करूंगा तो चलेगा, horizontal plane में नहीं चलेगा, टेढ़े plane में नहीं चलेगा, मेढ़े plane में बिल्कुल नहीं चलेगा. Is this clear to all? Are you understanding what I'm saying there? So it will allow only the waves which are in the vertical plane. समझ में आ गई ये बात? Same thing here. Okay? अब यहां पे मैं और एक अगर introduce कर दूं, cardboard which is having the vertical slit. So will it allow this? This is unpolarized wave and this is the polarized wave. क्या polarized wave इसके through आगे pass होगा? Yes. Pass होगा. On the contrary, अगर यहां का जो slit है, यहां का जो कार्डबोर्ड है वो मैं हॉरिजॉन्टल स्लिट वाला लगा दूं तो क्या इसके आगे पास होगा वेव? नहीं होगा, नहीं होगा ना.
it will stop over there. Are you understanding what I'm saying there? Is that clear? ठीक है. Now the same thing I'm asking you here, the equivalent example. तो यहां पर ये जो वर्टिकल है पोलराइजिंग एक्सिस का मतलब है ये स्लिट. सो इफ आई एम कीपिंग हियर अनदर पोलरॉइड विच इज हैविंग द हॉरिजॉन्टल पोलराइजिंग एक्सिस, विल दैट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू? नो, इट विल नॉट अलाउ. ओके, अब मेरा अगला क्वेश्चन है कि इफ इसे अगर मैं इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल, रादर इवन उसको मैं वर्टिकल भी नहीं, उसको थोड़ा सा, अगर ये है वर्टिकल एक्सिस आपका, इफ दिस इज द वर्टिकल डायरेक्शन एंड इफ आई ट्राई टू कीप इट मेकिंग सम एंगल विद दिस, व्हाट इज दिस एंगल? दिस एंगल इज थीटा, देन विल इट पास? यस, थोड़ा सा लाइट पास होगा. समझ में आ गया? थोड़ा सा लाइट पास होगा, उसका कॉम्पोनेंट पास होता है उस लाइट का. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? सम, वेट वेट, लेट मी एक्सप्लेन. मेरा एक्सप्लेनेशन खत्म होने के बाद आपके डाउट्स रेज करो प्लीज. यहां पर मैं ये चीज आपको बताना चाहूंगा कि इफ आई से दिस इज द लाइट, लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज द, लेट अस से द लाइट इज डिनोटेड बाय, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज डिनोटेड बाय ई इज इक्वल टू ई जीरो, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स अ वेव, सो इट हैव एन इक्वेशन ऑफ अ वेव. इलेक्ट्रिक, उसका इक्वेशन हो जाएगा E इज इक्वल टू ई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स या के एक्स माइनस ओमेगा टी, जो भी कुछ है, डिपेंड्स कौन से डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल कर रहा है, करेक्ट ना? सो व्हाट इज के? के इज इक्वल टू 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा. आई होप यू नो दिस. से यस, वाइब्रेशंस ऑसिलेशंस में हो चुका है. के इज कॉल्ड एज डैश डैश 2 पाई अपॉन लैम्बडा. के इज 2 पाई अपॉन लैम्बडा. के इज कॉल्ड एज डैश डैश. फिल इन द ब्लैंक्स, कल बता दो मुझे. E इज इक्वल टू ई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स या के एक्स माइनस ओमेगा टी. सो यहां पर ई जीरो इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेव. इलेक्ट्रिक फील्ड वेव का यह एम्पलीट्यूड है. सो इट्स अ वेक्टर एक्चुअली वी से. इफ आई से दिस इज अ वेक्टर एंड श्योरली दिस वेक्टर विल हैव इट्स कॉम्पोनेंट ऐसा. उसका ये कॉम्पोनेंट होगा और ये कॉम्पोनेंट होगा. एंड आई नो दैट दिस एंगल इज थीटा. इस एंगल को हम थीटा बोल सकते हैं या फाई बोल सकते हैं. इज दिस क्लियर टू ऑल? सो व्हाट इज द वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ ई? वी से दैट इट इज नथिंग बट ई कॉस थीटा एंड दिस इज ई साइन थीटा. नाउ माई क्वेश्चन इज कि मैं अगर ऐसे अप्लाई करूंगा, इफ आई अप्लाई इट लाइक दिस, तो क्या इस वेव का दिस कॉम्पोनेंट विल गेट पास थ्रू? डिड यू अंडरस्टैंड? अरे इट विल गेट पास थ्रू. आई एम नॉट आस्किंग, आई एम टेलिंग यू इट विल गेट पास थ्रू, क्योंकि वो वर्टिकल है ना. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? इजंट इट? या फिर उसको मैं अलग तरीके से आपको बता दूं. देखिए, आई विल पुट इट डिफरेंट वे. चेक हियर, यहां पर जो वेव आया है, यहां पर जो आगे वेव आया है, उस वेव को दिस इज द पोलराइजर या पोलरॉइड जिसका एक्सिस ऐसा है. इस पोलरॉइड का एक्सिस ऐसा है. हम ये जो जानते हैं यहां पर अभी कि यहां पर आगे जो वेव पास होके आया है उसका एक्सिस किस तरह से है भाई? उसका एक्सिस है वर्टिकल. उसका एक्सिस वर्टिकल है ना. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? यार ये पोलराइजिंग एक्सिस क्या है? व्हाट इज दिस पोलराइज्ड लाइट? या ये जो प्लेन है उसको कौन सा प्लेन कहते हैं? इस प्लेन को प्लेन ऑफ पोलराइजर और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन. इजंट इट? इट इज दैट प्लेन जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. यस और नो? तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन. यस और नो? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स अ वेव एक्चुअली, करेक्ट ना? सो दिस आई डिनोट दिस बाय अ वेक्टर. आई विल से दिस इज ई बार या ई. समझ में आ गया? इस ई को मैं रिजोल्व करना चाहता हूं. आई वॉन्ट टू रिजोल्व दिस. कैसे रिजोल्व करूंगा जी मैं? तो मैं उसको इस तरह से रिजोल्व करूंगा, ऐसे और ऐसे. इज दैट क्लियर? एंड दिस एंगल इज थीटा, करेक्ट है? अब इसका ये वाला जो कॉम्पोनेंट है वो आगे पास हो जाएगा यहां पर. नाउ व्हाट इज दिस कॉम्पोनेंट? दिस कॉम्पोनेंट इज कॉल्ड एज ई कॉस थीटा. एंड व्हाट इज दिस कॉम्पोनेंट? ई साइन थीटा.
तो ये जो आगे जाने की जब कोशिश करेगा, डिड यू अंडरस्टैंड दैट, ये परपेंडिकुलर है इसको, ठीक है, तो इसे अलाउ नहीं किया जाएगा, बट दिस बीइंग पैरेलल टू दिस क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस और पोलराइजिंग एक्सिस, विल इट गेट पास थ्रू हियर, इट विल गेट पास थ्रू, राइट, इजंट इट? तो यहां पर जो लाइट आगे पास होने वाला है वो कौन सा वाला कंपोनेंट आएगा, ई का, ई कॉस थीटा, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, इज दिस ओके, समझ में आ गया? नाउ व्हाट हैपेंस इफ दिस थीटा इज 90 डिग्री, कॉस 90 इज जीरो, कॉस, रुकना रुकना, मेरे को और मत दे, मैं जो बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि हाँ बोलो सिर्फ अभी, ठीक है, मैं आपको जब डिस्कशन मोड में डाल दूंगा तब आप डिस्कस कर लो, जस्ट नाउ लेट मी गो, क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें मुझे एक्सप्लेन करनी है, सो लेट मी नॉट वेस्ट माई टाइम ऑन दिस, इज दिस ओके, इज दैट क्लियर? अब ये थीटा अगर 90 डिग्री है मतलब यहां पर कैसा होगा वो नजारा, वो मुझे बताइए प्लीज, हाउ इज दिस गोइंग टू लुक लाइक, कि भाई अगर ये है दिस पोलराइजर और प्रीवियस का एंगल, प्रीवियस इज इन द वर्टिकल डायरेक्शन, और जो नया वाला हम यहां पर पुट करने वाले हैं, अगर ये बराबर 90 डिग्रीज पर हो, दैट इज दिस इज थीटा, तो ये थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये वर्टिकल है और ये टोटली हॉरिजॉन्टल है, तो यहां से अंधेरा कायम रहेगा, देयर इज नो लाइट गेटिंग पास थ्रू, यस और नो, इज दैट क्लियर टू ऑल, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे ये एंगल बढ़ते बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जब ये परफेक्ट वर्टिकल होता है तो इट विल अलाउ द लाइट टू पास थ्रू, ओके, बट जैसे जैसे वो थीटा चेंज करते जाओगे वो उसका इंटेंसिटी कम होता जाएगा, एंड व्हेन इट इज बिकमिंग 90 डिग्री वहां पर देयर इज नो लाइट एट ऑल, दिस इज एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इज दैट क्लियर? ठीक है, हम पोलराइजेशन की कॉन्सेप्ट को और आगे लेके जा रहे हैं, इज दिस प्रोसेस क्लियर टू ऑल? नाउ दिस इज एक्सप्लेन हियर, यहां पर ये एक्सप्लेन किया, इफ द पोलराइज लाइट टू मेड टू पास थ्रू द अनदर पोलराइजर विथ इट्स पोलराइजिंग एक्सिस परपेंडिकुलर, अगर पोलराइजिंग एक्सिस परपेंडिकुलर होगा तो नो लाइट, अभी जो मैंने चित्र बनाया था वही था ना, वो रोहित अंदर शिफ्ट हो जाए, आई कैन नॉट सी यू, ठीक है, नो लाइट कैन इमर्ज ऑन द अदर साइड, इज दैट क्लियर? ऑन द अदर हैंड इफ द पोलराइजिंग एक्सिस ऑफ द सेकंड पोलराइजर मेक्स एन एंगल स्मॉलर देन 90 डिग्री, दिस इज डिग्री 90 डिग्री, इज दैट क्लियर, विथ दैट ऑफ द फर्स्ट पोलराइजर देन द कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द पोलराइजर लाइट along the direction of the polarizing axis of the second polarizer can pass through. I hope you understood this thing. Uska ek component, wo component aage pass hoga which is parallel to the polarizing axis. Did you understand this? Yeah, ye maine aapko pehle explain kiya, but wahi cheez wahan pe likh ke di hai. I hope this is clear to you all. Theek hai? The intensity of light will reduce after passing through each polarizer. Ha, aap kitne bhi wahan par parde laga do. Har polarizer ke through jab light pass ho, चाहे वो एक्सिस पैरेलल ही क्यों ना हो, लेकिन उसका लाइट का इंटेंसिटी कम होता है, कितना कम होता है देखते हैं अभी, इज दिस एनी डाउट सो फार? ठीक है, चाहे वो पोलराइजर्स जो है उनके एक्सिस पैरेलल ही क्यों ना हो, बट इन स्पाइट ऑफ दैट द इंटेंसिटी विल गो ऑन रिड्यूसिंग, इज दैट क्लियर? ठीक है, एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है जो हम इसमें आगे देखने वाले हैं. वेल, सो यहां तक सबको समझ में आ गया, is that clear to all? ठीक है, we have used the electric field to explain the phenomenon of polarization, however it could be explained in the same manner using the magnetic field. तो somebody में से, सर पोलराइजेशन सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होता है ना, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वेव आ रहा है, मतलब उसके साथ साथ कौन सा वेव आ रहा है, मैग्नेटिक विच इज परपेंडिकुलर, ये ऐसे जा रहा है नाक की तरह, इज दैट क्लियर? ये अगर एक ऐसा जा रहा है तो दूसरा अपने आप ये वाला भी आ जाता है, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ओके, या चलिए आगे बढ़ते हैं. अब जैसा कि मैंने बताया कि भाई लेट अस कंसीडर अ वेव हियर, ये वेव जो मैं कंसीडर कर रहा हूं उसका इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हम एक्सप्लेनेशन इसका समझने की कोशिश कर रहे हैं, सो वी आर कंसीडरिंग ओनली द इलेक्ट्रिक फील्ड. अपना शिफ्ट करो इधर, हाँ नहीं इट्स ओके, शिफ्ट हो जाओ, शिफ्ट हो जाओ. सो लेट्स से दिस ई इज इक्वल टू ई जीरो इंटू साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, दीज आर द वेव्स, दीज आर द वेव्स ऑसिलेशंस. वेव में हम ये देखने वाले हैं कि वेव इट्स अ
व्हाट यू से प्रोपगेटिंग वेव, ठीक है, साउंड वेव जो चैप्टर है उसमें हम ये देखने वाले हैं। तो इसमें k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, ये तो हमने ऑसिलेशंस में देखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो e जीरो है, व्हाट इज दिस e जीरो, e जीरो इज द एम्पलीट्यूड, उस वेव का ये एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। एंड वी नो दैट द इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, वी नो दैट इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो एग्जाम्पल हमने यहां पर देखा है, दिस एग्जाम्पल इट्स मेकिंग सम एंगल, ठीक है, तो इसके थ्रू जब ये पास होता है यहां पे, और एक यहां पे भी नीचे वो वाला एग्जाम्पल दिया है उसकी बात करते हैं, लेट्स लेट मी टॉक अबाउट दिस। ये है अनपोलराइज्ड लाइट, दिस इज फर्स्ट पोलराइजर, तो ये है पोलराइज्ड लाइट, इज दैट क्लियर, समझ में आया। अब इस फर्स्ट ये जो पोलराइजर, उसके बाद और एक पोलराइजर वहां पे लगा दिया है, लेकिन इसका यहां पर कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है, तो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग ओवर हियर। तो लेट अस कंसीडर, विल कंसीडर अ पर्टिकुलर वेव विच इज हैविंग इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल थीटा और फाई, लेट से एंगल फाई। यहां पर एक ऐसा वेव है जिसका ये है एम्पलीट्यूड, एंड लेट मी कॉल दिस एज ए जीरो, ठीक है, एंड ये क्या है, ये वर्टिकल डायरेक्शन है, और यहां पर क्या है भाई, ये वो जो पोलराइजर है, दिस इज अ पोलराइजर, इस पोलराइजर का ये है एक्सिस, दिस इज द पोलराइजिंग एक्सिस, ठीक है, एंड दिस एंगल इज फाई। आप मुझे ये बताइए कि इसका कौन सा कॉम्पोनेंट यहां पर जो आएगा बाहर, वो कौन सा कॉम्पोनेंट आएगा, वॉट कॉम्पोनेंट इट्स गोइंग टू कम आउट फ्रॉम हियर, कम ऑन यार, आप बता सकते हो। देखिए, इसका एक वर्टिकल कॉम्पोनेंट होगा और एक हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट होगा, बराबर है क्या, तो इट विल अलाउ ओनली द वर्टिकल कॉम्पोनेंट, वॉट इज दैट वर्टिकल कॉम्पोनेंट, दैट वर्टिकल कॉम्पोनेंट इज जीरो कॉस फाई, डू यू अंडरस्टैंड दैट, और ये हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट उसको वो कट कर देगा, इज जीरो साइन फाई, इट्स गोइंग टू गेट कट, सो विच कॉम्पोनेंट इज गोइंग टू गेट पास थ्रू हियर, इ जीरो कॉस फाई, लेट मी टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड, आई टॉक इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड, इज दिस क्लियर टू ऑल, तो इसका ये कॉम्पोनेंट आगे पास हो रहा है, इज दैट क्लियर, एंड ई जीरो साइन फाई इज ऑब्स्ट्रक्टेड। अब जो इंटेंसिटी है आफ्टर द फर्स्ट पोलराइजर, लेट मी कॉल दैट इंटेंसिटी एज आई वन, आई वन, दिस इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू दिस। अब ये एम्पलीट्यूड जो है इसे मैं बोलूंगा ई वन, वॉट इज ई वन, इट इज द इंटेंसिटी आफ्टर द फर्स्ट पोलराइजर, इट इज द एम्पलीट्यूड आफ्टर द फर्स्ट पोलराइजर, आई एम गोइंग टू कॉल दिस एज ई जीरो बोलूंगा, या तो फिर मैं इसको ई वन जीरो बोल देता हूं, एम्पलीट्यूड है इसलिए जीरो, फर्स्ट पोलराइजर के बाद इसलिए ई वन, और बेसिक वाला इसका एम्पलीट्यूड था ई जीरो, सो आई वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई वन जीरो का स्क्वायर, दैट मीन्स आई वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई जीरो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, इज दिस क्लियर, ध्यान दो इंपॉर्टेंट चीजें हो रही है, इज दैट क्लियर। मैं अब ये आपको बता रहा हूं कि ये मैंने जो सैंपल कंसिडर किया है, ये एंगल फाई कहां से कहां तक हो सकता है, कैन यू गिव मी एन आइडिया कि ये जो ई जीरो है ये कहां से कहां तक हो सकता है, मतलब ये वेव मैंने ये कंसिडर किया है, बट इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, ये जो ई जीरो है ये फाई का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, फाई जीरो का मतलब है इट विल परफेक्टली वर्टिकल है, और ये फाइव बढ़ते 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 कहां तक जा सकता है, 360 नहीं जाएगा, 180 जा सकता है वो, क्यों, क्योंकि वर्टिकल होगा और उसको अगर मैं घुमा देता हूं तो 90 डिग्री घुमाने के बाद वो ऐसा होगा, और 90 डिग्री घुमाने के बाद दोबारा वर्टिकल हो रहा है वो, आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट, सो आई वॉन्ट टू आस्क यू वॉट आर द लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ फाइव देयर, फाइव विल गो फ्रॉम वेयर टू वेयर, फाइव विल गो फ्रॉम
फाइ का वैल्यू रहेगा कहां से कहां, 0 to 180 के बीच में, ये समझा ना रे, इजंट इट। और इसी तरह से ये जो कॉस फाइ है वो भी वैसे ही आएगा वहां पे, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर। तो इसलिए मुझे क्या करना है कि यहां पर मुझे एवरेज वैल्यू ऑफ ई जीरो कॉस फाइ, क्योंकि ये एक ही वेव नहीं है, मैंने यहां पर एक वेव कंसिडर किया है, लेकिन एक्चुअली स्पीकिंग वहां पर अगर फाइ एंगल करने वाला एक वेव है, अनपोलराइज लाइट जो रहता है उसके तो इन्फिनेटली वेव्स होते हैं, आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट। मतलब ये जो फाइ है इट कैन बी जीरो से लेकर कहां तक जाएगा, तो उन सब वेव्स का आगे कंपोनेंट पास होगा, आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट। जब मैं यहां पर अनपोलराइज लाइट बोल रहा हूं तो यहां पर ऐसा एक वेव है, ऐसा एक वेव है, ऐसा एक वेव है, ऐसा एक वेव है, ऐसा एक, इन सब का कॉस कंपोनेंट आगे आएगा, डू यू अंडरस्टैंड दैट। मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन के पर्पज के लिए सिर्फ एक ही वेव मैंने यहां पर कंसिडर किया है, समझ में आ रहा है। तो दैट फाइ कैन बी 22 डिग्री, 23 डिग्री, 22.5, 23.5, 45 डिग्री, 47 डिग्री, 0 से लेकर 180 डिग्री, यस और नो। एंड फॉर ईच वेव इट्स कॉस कॉम्पोनेंट इज गोइंग टू कम आउट, यस। और उस कॉस कॉम्पोनेंट का मुझे एवरेज फाइंड आउट करना पड़ेगा, समेशन इंटीग्रेशन टोटल आई हैव टू फाइंड आउट, यस और नो। सो इफ आई ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज दैट एवरेज ऑफ ऑल दिस, सम ऑफ ऑल दिस, तो ये जो ई जीरो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइ होता है इसका एवरेज तो आएगा तुमको ई जीरो, लेकिन ये जो कॉस स्क्वायर फाइ जो फंक्शन होता है इट्स अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन, इट्स अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, इसका जो एवरेज आता है, एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर फाइ, एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर फाइ फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री, 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक उसका एवरेज वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी हाफ, कितना आता है वो हाफ। इसलिए हम यहां पर बोलेंगे कि भाई जो इंटेंसिटी यहां से जो बाहर आएगा इसे मैं कैसे लिखूंगा, I'll say that intensity after the first polarization is directly proportional to E0 square तो है ही, लेकिन cos square phi का value क्या आएगा वो half। Is this clear to you all? समझ में आया? Is that clear? लेकिन मुझे पता है कि E0 square is nothing but I, उसको मैं directly proportional बोलने के जगह पर मैं उसको directly equal to k times बोल सकता हूँ, समझ में आ गई बात। और यहां पर भी मैं उसको बोल सकता हूँ equal to k times, तो therefore what it follows here that I1 is equal to half of I0, did you understand that? क्या आपको यह समझ में आ गया? Hello? Intensity after the first polarizer क्या होगा जी? देखिए ना यहां पर, देखिए ना ये क्या बन जाएगा, this is half into k times E0 square, but k times E0 square is equal to I0, intensity, initial intensity की बात कर रहा हूं मैं, समझ में, let me call this as I0, initial intensity. Can I say so? Can I say so? Are you understanding what I'm saying there? So that is nothing but intensity after the fourth polarizer is directly getting reduced to half. पहले polarizer के बाद वो straight away half हो जाता है, उसका reason मैंने आपको बता दिया कि भाई cos square phi जो function है 0 to 180 उसका average value आता है half. Any doubts about this? So what we conclude here? ये चीज यहाँ पर explain करी है. So intensity of the unpolarized wave reduces by half after passing through the polarizer. It's an important thing. Is that clear to you all? ये दिया है वहाँ पे, book में दिया हुआ है. Malus law, एक law है Malus का, क्या law है? अभी हम देखेंगे. इसमें किसी को कुछ doubts है? इसमें किसी को कुछ doubts है? So what I was trying to tell you is intensity, जो है initial intensity उसका मैं बोलूँगा I. या I0, I0 is equal to K times E0 square, सही है? What will be I1 is equal to? I1 is equal to K times E10 square. But what is E10 is equal to? Amplitude, क्या होगा? It is equal to E0 cos phi. Did you understand this? बराबर है ना? This is the amplitude of unpolarized light, intensity of unpolarized light, amplitude of unpolarized light after first polarizer, 0 stands for amplitude, समझ में आ गया, and 1 stands for after first polarizer, तो उसका cos phi आ जाएगा, isn't it? और
फिर हमको ये पता है कि भाई इवन जीरो स्क्वायर जो आता है, अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो ये क्या बन जाता है, आई से हियर दैट इंटेंसिटी, आई कैन से इंटेंसिटी ऑफ द फर्स्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवन जीरो का स्क्वायर, और ये हमने अभी अभी यहां पर ऊपर क्या लिखा है, आई वन जीरो इज इक्वल टू, इसको मैं अगर सब्स्टिट्यूट कर दूं यहां पे, इट इज नथिंग बट इवन जीरो इज इक्वल टू ई जीरो कॉस फाइव, एक मिनट हाँ बोलो, आई जस्ट सब्स्टिट्यूट हियर, आई राइट, वेट के वन नहीं है, सिर्फ के होगा, दिस इज के, सो आई राइट दिस एज, कैसे इसको लिखेंगे, इट इज नथिंग बट के इंटू ई जीरो स्क्वायर, और cos स्क्वायर फाइ का वैल्यू जो आता है वो क्या आता है एवरेज वैल्यूज का, आई राइट दिस एज हाफ, इजंट इट, सो आई राइट दिस आई वन इज इक्वल टू हाफ ऑफ आई जीरो, ओके, दिस इज आफ्टर फर्स्ट पोलराइजर, ये मैंने दोबारा वही चीज लिखी है, बट यहां पर अब मैं सेकेंड पोलराइजर विच इज एट सम एंगल आई एम गोइंग टू कंसिडर, अब ये जो पहले वाला पोलराइजर है उसका एंगल कुछ भी हो जाए, दिस इज एट एनी एंगल, आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट, अब हम यहां पर बात कर रहे हैं इस डायग्राम की, ये रहा, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस डायग्राम नाउ, प्लीज अंडरस्टैंड कि भाई आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस डायग्राम, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज, अनपोलराइज लाइट के बाद आप यहां पर कोई भी एंगल पे डाल दो, तो जो दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट आफ्टर द फर्स्ट पोलराइजर, सेकेंड पोलराइजर जो है उसका एक्सिस इज मेकिंग सम एंगल हियर, कितना एंगल कर रहा है भाई, वो थीटा एंगल कर रहा है विद द एक्सिस ऑफ द फर्स्ट पोलराइजर, अब यहां पर थीटा विल प्ले इट्स रोल, नाउ थीटा विल प्ले इट्स रोल, अब आप मुझे बताइए कि यहां से जब वो बाहर आएगा इंटेंसिटी, तो यहां पर जो E2 आएगा, व्हाट विल बी E2 जीरो इज इक्वल टू, इज इट इक्वल टू E1 जीरो कॉस थीटा, थीटा फाइनली, अब ये थीटा है, दिस इज दैट एंगल थीटा, डिड यू अंडरस्टैंड दैट, इज दैट अंडरस्टूड, इट इज कॉस थीटा, सो दिस इज द एम्पलीट्यूड आफ्टर द सेकेंड पोलराइजर, करेक्ट, एम्पलीट्यूड आफ्टर द सेकेंड पोलराइजर, अब मुझे इंटेंसिटी लिखना है, सो व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द सेकेंड पोलराइजर, इट इज इक्वल टू के टाइम्स ई टू जीरो का स्क्वायर, सही है, करेक्ट है, बट दैट इज इक्वल टू के टाइम्स ई वन जीरो का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, इज दैट क्लियर, इज दैट ओके, कॉस थीटा नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा, बट के टाइम्स ई वन जीरो का स्क्वायर इज आई वन, आई वन कॉस स्क्वायर थीटा, बट आई वन इज इक्वल टू हाफ ऑफ आई जीरो, अगर मुझे उसको इसमें देना है, समझ में आ रहा है क्या, सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, आई कैन रुक बात मत करो बीच में, आई वन इज इक्वल टू हाफ ऑफ आई जीरो इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा, अब आप इसको जो चाहिए उस फॉर्म में याद रख सकते हो, आई टू इज इक्वल टू दिस इज ऑल्सो ओके, I2 is equal to this is also okay. Is that clear to you all? इसमें डाउट है तो अभी मत रुको, hold it. इसमें डाउट है जो मैंने एक्सप्लेन किया है, इसमें डाउट है या तेरा एडिशनल कॉमेंट है, हाँ बोलो, उस इफेक्ट को मैंने इंटीग्रेट किया है यहां पे, phi क्या है, phi is up as assumed angle. और वो फाइव इज गोइंग फ्रॉम जीरो टू 180, वो मैंने इंटीग्रेट करके उसका आंसर मुझे हाफ आया है, वेयर एज थीटा इज एक्चुअल फर्स्ट वाला पोलराइजर के बाद, मतलब फर्स्ट वाला पोलराइज वेव है उसका और सेकंड पोलराइज दोनों के एक्सिस के बीच में हो थीटा, डू नॉट मिक्स थीटा एंड फाइव, ये मैंने पहले भी बताया था, इज दिस क्लियर, अब क्या करना है जी, तो ये है उसके इंटेंसिटी, नाउ दिस इज एक्सप्लेन By Malus law, it gives the intensity of linearly polarized wave after it passes through a polarizer. Any number of polarizer, चाहे वो first polarizer हो या second polarizer हो. As we go on with this, वैसे ही अपने को ये करते जाना पड़ेगा. Is this clear to you all? Any doubts about that? ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं. Yeah. यहां पर ये एक क्वेश्चन दिया है, आई वुड लाइक टू डिस्कस दिस क्वेश्चन, द क्वेश्चन सेज अनपोलराइज्ड लाइट
ऑफ इंटेंसिटी आई जीरो, ये है इंटेंसिटी, इसका इंटेंसिटी आई जीरो है, ठीक है, इज मेड टू पास थ्रू थ्री पोलराइजर्स. पहला पोलराइजर है P1, दूसरा P2, तीसरा P3 सक्सेसिवली. सो दिस इज द P1, ये P2 और हमें P3 के बारे में बात करनी है. द पोलराइजेशन ऑफ एक्सिस P2, P2 इज मेकिंग एंगल विद P1, कितना एंगल हो रहा है वो, थीटा 1, कितना ही है, दिस इज थीटा 1, इज दैट क्लियर, विद दैट ऑफ P1, व्हाइल P3 मेक्स एंगल थीटा 2 विद दैट ऑफ P2. क्वेश्चन समझ में आ गया, समझ में आ गया. तो ये थीटा 1 है और इसके साथ और आगे, तो यहां पर मैं डायग्राम को थोड़ा सा और मॉडिफाई करने की कोशिश करता हूं. आई ट्राई टू डू दैट हियर, दैट तीसरा जो पोलराइजर है देखिए यहां पे, देखिए दिस एंगल इज थीटा 1, ये थीटा 1 एंगल है, ये फर्स्ट पोलराइजर का एक्सिस है, ये सेकंड पोलराइजर का एक्सिस है और ये थर्ड पोलराइजर का एक्सिस है. तो दिस एंगल इज थीटा 1 और ये एंगल है थीटा 2. इज दिस क्लियर टू यू ऑल, इज दैट अंडरस्टूड, समझ में आ गया सबको. चलिए अब यहां पर हम बात करेंगे कि भाई पहला वाला जो है I0, तो उसका इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E0 स्क्वायर, करेक्ट. व्हेन इट पासेस थ्रू द फर्स्ट पोलराइजर, व्हेन इट पासेस, आफ्टर इट पासेस थ्रू द फर्स्ट पोलराइजर, तो उसका इंटेंसिटी I1 विल स्ट्रेट अवे रिड्यूस टू I0/2 एज एक्सप्लेन अर्लियर. मैंने बोला एज एक्सप्लेन अर्लियर, ओके. सो कैन आई से दैट I1 इज इक्वल टू I0/2, सही है, और कैन आई से इट इज इक्वल टू K टाइम्स E10 का स्क्वायर, करेक्ट ना, वेयर E10 इज एक्चुअली क्या होगा, ये E10 स्क्वायर इज इक्वल टू E10 स्क्वायर, क्योंकि हमें यह पता है कि वन सेकंड, इसको मैं इंटेंसिटी ऑफ द फर्स्ट I1 इज इक्वल टू K टाइम्स E0 स्क्वायर, करेक्ट है ना. अच्छा, इसके RHS अगर मैं इक्वेट कर लू तो क्या बन जाएगा, मतलब या आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वॉट इज द रिलेशन बिटवीन E10 एंड E0, ये मुझे चाहिए, इन दोनों का रिलेशन मुझे चाहिए, क्या हो सकता है बताइए मुझे. कैन आई से यहां से मैं क्या ऐसे बोल सकता हूं कि I1/I0 इज इक्वल टू हाफ, कैन आई से सो, दैट मीन्स E10 square upon E0 square इज इक्वल टू 1/2, और इन अदर वर्ड्स E10 upon E0 इज 1/√2, इज दैट क्लियर, समझ में आ गया सबको, ठीक है. सो E10 की अगर हम बात करते हैं, इस E10 का यहां पर, ये यहां पर E10 आ गया, अब इसके बाद E20 आएगा, अब E20 का मुझे कैलकुलेशन करना है. सो कैन यू टेल मी कि यहां पर इसका कौन सा कंपोनेंट आगे पास होगा, इसका सिर्फ ये वाला कंपोनेंट आगे पास होगा E10 का. सो दिस इज कॉल्ड एज E20, करेक्ट, एंड दिस E20 इज इक्वल टू E10 cos of theta 1, करेक्ट है, समझ में आ रहा है, E20 इज इक्वल टू E10 cos of theta 1, इज दैट क्लियर टू यू, समझ में आ रहा है. अब मुझे इसका इंटेंसिटी आफ्टर द सेकेंड पोलराइजर आई वांट फाइंड आउट, सो व्हाट विल बी I2 इज इक्वल टू K टाइम्स E20 का स्क्वायर, करेक्ट, बट वॉट इज E20 इज इक्वल टू दिस, तो ये क्या बन जाएगा, K टाइम्स E10 का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा 1,
बट वॉट इज दिस, ये तो I1 है, isn't it? So can I say that this is nothing but E I1 cos square of theta 1. But what is I1 is equal to I0 by 2. I0 by 2, direct ये वाला लिख सकता हूँ. So can I say this is equal to half I0 cos square of theta 1. Can I say so? Any doubt so far? इसी तरह से सिलसिला आगे बढ़ता चलेगा वैसे ही. अब यहां पर इसके आगे जो है ये वाला पोलराइजर जिसमें दिस इज ई टू जीरो, ई टू जीरो का यहां पर कौन सा वाला कंपोनेंट आगे पास होके आएगा जी, ये वाला विच इज पैरेलल, करेक्ट ना. व्हाट एम आई गोइंग टू कॉल दिस एज, आई एम गोइंग टू कॉल दिस एज ई थ्री जीरो, करेक्ट ना. हेलो, ये दिस एंगल इज थीटा टू. सो वॉट इज ई थ्री जीरो इज इज इक्वल टू, ये ई टू जीरो का कॉम्पोनेंट है ना आगे वाला. सो दिस इज ई टू जीरो कॉस ऑफ थीटा टू, जस्ट लाइक दिस. अंडरस्टूड? शटअप शटअप शटअप, ऐसे ही रे. सो आंसर करो फिर, आई थ्री इज इक्वल टू के इन टू ई थ्री जीरो ब्रैकेट स्क्वेयर, बट ई थ्री जीरो इज दिस, सो आई विल राइट हियर के टाइम्स E to zero ka square cos square of theta 2. But what is this? This is I2. I2 into cos square of theta 2. But what is I2 is equal to? I1 into, or I2 is equal to this. Directly ye likh sakte ho aap log. Ye. So this is half I0 cos square of theta 1 into cos square of theta 2. This is I3. Is this clear to you all? अब इसी का एक्सप्लेनेशन जो बुक में दिया है वो वही दिया है, बट आई रियली वंडर विदाउट डायग्राम हाउ डू दे मैनेज. ग्रेट ग्रेट ग्रेट, यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया है एंड दे हैव गिवन दिस आंसर, बट अपने को जब तक आप डायग्राम नहीं ड्रॉ कर सकते, ड्रॉ करते हो तब तक ऑफकोर्स क्यों नहीं पूछेंगे. एनी डाउट्स अबाउट दिस? इज दिस वेरी क्लियर टू ऑल? चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स टेक दिस फर्दर. तो ये मैंने अनपोलराइज्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व किया है, एंड दिस इज अबाउट द पोलराइजेशन. पोलराइजेशन कैन टेक प्लेस इन वन मोर वे, देयर इज वन मोर वे इन विच द पोलराइजेशन कैन टेक प्लेस. ये अभी जो पोलराइजेशन का था तरीका वो आपको समझ में आ गया, विद द हेल्प ऑफ शीट पोलराइजर्स जिसे हम पोलरॉइड्स भी कहते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पोलरॉइड्स. इज दैट क्लियर? ठीक है, वेल प्रोसीड नाउ. पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन. नाउ मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि द लाइट इज फॉलिंग ऑन सम सरफेस, दिस कैन बी अ ग्लास, आइस और एनी अदर सरफेस. तो जहां पर पार्ट ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक एंड पार्ट ऑफ द लाइट इज रिफ्रैक्टेड, इज दैट क्लियर? एंड इट हैपेंस समटाइम्स दैट इन सर्टन कंडीशंस, कुछ कंडीशंस में ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है दिस इज अ पोलराइज्ड लाइट, एंड रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड लाइट इज अ पार्टली पोलराइज्ड लाइट, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट. इज दैट क्लियर? सो दिस इज, लेकिन वो कंडीशन क्या है? ओके, एट पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, देयर हैज टू बी द पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर दिस. इफ यू रेफर द दिस डायग्राम पेज नंबर 167, तो वहां पे दिया है जी, क्या दिया है देखिए यहां पे गौर से. व्हाट दिस से हियर, दे से इट वॉज एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर्ड बाय वन ऑफ द साइंटिस्ट. क्या नाम था साइंटिस्ट का? ब्रूस्टर, ब्रूस्टर 1812, दैट फॉर अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको हम थीटा भी कहेंगे, द रिफ्लेक्टेड वेव इज कंप्लीटली प्लेन पोलराइज विद इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, while the refracted wave is partially polarized. ठीक है, बात करते हैं इस एंगल ऑफ इंसिडेंस की. विल टॉक अबाउट दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस. कौन से एंगल ऑफ इंसिडेंस पर यह हो रहा है? फॉर ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज व्हाट दे से. यहां पर वो दिया हुआ है,
ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए ये है प्लेन पोलराइज लाइट, अनपोलराइज लाइट। यहां पर जब ऐसा लाइट दिखाते हैं दिस इज द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, और यहां पर ऐसा डॉट दिखाते हैं, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन, या वो जो वेव है उसका डायरेक्शन कैसे होगा? इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर? तो ये जब पास होता है यहां से, तो दिस लाइट इज पार्शियली पोलराइज, लेकिन यहां पर सिर्फ वो कॉम्पोनेंट प्रेजेंट है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। डू यू अंडरस्टैंड दैट? एंड दिस कॉम्पोनेंट, ये जो है ये वाला कॉम्पोनेंट है, वो वहां से कट हो रहा है। इज दैट क्लियर? सो दिस इज अ प्लेन पोलराइज लाइट वी से। इज दैट क्लियर? इसके लिए क्या जरूरी होता है? नाउ दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एज थीटा बी, थीटा ब्रूस्टर। ओके, दिस इज थीटा बी। अंडरस्टूड? अब देखिए, आपको रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, करेक्ट ना? तो ये दोनों एंगल सेम होते, तो अगर ये थीटा बी है तो ये भी थीटा बी ही होगा। इज दैट अंडरस्टूड? एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। ठीक है, अब ये कौन सी परिस्थिति में ऐसा होता है? इट हैपेंस ओनली व्हेन द रिफ्लेक्टेड लाइट एंड रिफ्रैक्टेड लाइट दे आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अंडर दिस सिचुएशन, अंडर दिस कंडीशंस, दिस लाइट इज अ पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट। इज दैट क्लियर टू ऑल? अब देखिए, ये एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है, इसमें से ये अगर 90 डिग्री हटा दो तो व्हाट इज द सम ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल? अगर ये 90 डिग्री है, देन दिस एंगल, आई कॉल दिस एज 1 एंड दिस एंगल 2, इज 1 प्लस 2 90 डिग्री? वही मैं आपको पूछने की कोशिश कर रहा हूं। सो कैन आई से दैट थीटा बी प्लस थीटा आर इज इक्वल टू 90 डिग्री? इज दिस क्लियर टू ऑल? समझ में आया सबको? अब आप मुझे बता दीजिए कि अगर ऐसा है, नो व्हाट इज, आई विल अप्लाई, दिस इज द मीडियम नंबर 1 एंड दिस इज मीडियम नंबर 2। आई विल अप्लाई स्नेहल्स लॉ, स्नेल्स लॉ आई विल अप्लाई हियर। व्हाट इज स्नेल्स लॉ? स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर। प्लीज यार, क्या रे यार, कितना मतलब साल भर लगा दिया। N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर, करेक्ट है? Isn't it? Now let me just substitute here. What is the angle of incidence here? Theta b. Angle of incidence is equal to theta b. And angle of refraction is theta r. Hello. Correct na? Substitute kariyega. Isme kya mil jayega bataiye? This will give me. Therefore, N1 into sine of theta b is equal to N2 into sine of theta r. Lekin hume malum hai. क्या मालूम है? थीटा आर इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा बी, ये ऐसा बोल रही है ना, करेक्ट? सो उसका साइन क्या होगा जी? करेक्ट, कॉस ऑफ थीटा बी। तो इफ आई सब्स्टिट्यूट, व्हाट एम आई गोइंग टू गेट देयर? सब्स्टिट्यूटिंग वी गेट N1 साइन ऑफ थीटा बी इज इक्वल टू N2 कॉस ऑफ थीटा बी, सही है? अब ये इधर चला जाएगा, करेक्ट? इजंट इट? सो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट देयर? यस, तो यहां से मुझे मिल जाएगा देयरफॉर टैन ऑफ थीटा बी इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, सही है? इजंट इट? और व्हाट इज थीटा बी इज इक्वल टू, नाउ N2 अपॉन N1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, जिसे हम 1N2 भी लिखते हैं जी, 1N2। वी कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो। ये 11th में था, दिस वॉज देयर इन 11th स्टैंडर्ड, 9th में भी था, 10th में भी था शायद। वेरी गुड। So, इसमें ये जनरली होता है एयर, इफ दिस इज एयर एंड दिस इज सम डेंसर मीडियम लाइक ग्लास और वाटर और डायमंड और केरोसिन और ऑयल, तो वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है, देन इट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आ रहा है? इज दिस ओके? सो व्हाट इज थीटा बी? अगर टैन को इधर भेज दो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर जो है उसमें आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीखने वाले हो,
that is equal to tan inverse of 1 n 2, or in other words I can say it is tan inverse of n 2 upon n 1. Is that clear? Now this angle is called as Brewster's angle. इसे क्या कहते हैं? Brewster's angle. And this law is called as Brewster's law. Brewster's law. When the light is incident at this angle, then and then only आपको एक reflected और refracted ray जो है, they are at right angles to each other, and then only this is a polarized light. Any doubts about this? Is this clear to you all? समझ में आया सबको ये? समझे? Now इसको कहते हैं Brewster's law, and the phenomena, आपने polaroids goggles के बारे में सुना है? Polaroids goggles होते हैं, high quality goggles जो होते हैं, they are called as polaroids. उसमें कभी कभी वो hologram होता है. अगर आप if you see that, अगर generally आप goggle अगर वो पहनते हो, उनका एक test होता है जिसमें पोलराइड का टेस्ट, आप यू कैन गूगल इट आउट, आपको पता चल जाएगा क्या होता है वो पोलराइड का टेस्ट, या पोलराइड गॉगल जो होता है उसका टेस्ट कैसे कराते हैं वो. ठीक है, तो एक्चुअली वो क्या करता है कि लाइट, इट इज कटिंग आउट ऑल द ग्लेयर. ग्लेयर जो होता है, एंटी ग्लेयर जिसको बोलते हैं, एंटी ग्लेयर. लेट मी एक्सप्लेन. द फिनोमेना ऑफ पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन इज यूज टू कट द ग्लेयर, कट आउट द ग्लेयर फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस यूजिंग स्पेशल सनग्लासेस. सनग्लासेस आर फिटेड विद पोलराइड्स which reduce the intensity of partially or fully polarized reflected light coming to the eyes from the reflecting surfaces. Generally अब ये कहाँ कहाँ use किया जाता है? जो expensive cars होते हैं उसके windshields पे, हाँ, anti reflectors जिसको बोलते हैं, कि भाई जो light सामने से अगर कोई गाड़ी आ रहा है, उसका light आ रहा है, तो वो light it is in all the possible planes, तो वो ज़्यादा distractive रहता है, scattering ज़्यादा होता है उसको. To avoid that scattering, what they do, they will allow the light which is plane polarized. तो उसका glare automatic कम हो जाएगा, scattering automatic कम हो जाएगा. Is this clear? This is, did you understand that? Is that clear? तो वैसा वाला sheet उस glass के ऊपर लगा देते हैं. It's a see-through sheet. आपको normally दिखे, पर समझ में भी नहीं आता. Goggles में भी वो चीज वो use करते हैं. That is also used in the ये जो aeroplanes जो होते हैं उसके हाँ सामने का जो shield होता है उसके लिए, कॉकपिट का जो शील्ड होता है उसके लिए यूज किया जाता है. सो दीज आर सम ऑफ द प्लेसेस. ओके, एज सीन अबव, द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट और लाइट कमिंग फ्रॉम द आर्टिफिशियल सोर्स व्हिच इज कंप्लीटली अनपोलराइज्ड इज आल्सो रिड्यूस्ड टू हाफ बाय द पोलराइड. द फिनोमेना ऑफ पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन वर्क्स ओनली फॉर नॉन मेटालिक सर्फेसेस. एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, ऐसा छोटा सा पॉइंट होता है कहीं पे वो उठा देते हैं. यस, इसलिए ये मैंने वहां पे डाल दिया है. इज दिस क्लियर टू ऑल? दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द नॉन मेटालिक सर्फेसेस. ऑलराइट, देयर इज वन मोर वे ऑफ पोलराइजेशन. और एक तरीका होता है पोलराइजेशन का. नाउ दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ पोलराइजेशन. दिस इज थर्ड टाइप ऑफ पोलराइजेशन. पोलराइजेशन का ये और एक मेथड है. पहला मेथड था बाय यूजिंग द शीट पोलराइड्स, जिसे हम पोलराइजर भी कहते हैं. ओके, उसके जो द मटेरियल विच इज यूज देयर, दीज आर द सम क्रिस्टल्स. ठीक है, उस क्रिस्टल का नाम भी मेरे ख्याल से इसके अंदर दिया होगा, आप लोग वो देख लीजिएगा. I'll give you those material for what material crystals are used there. ठीक है, polaroids के लिए मैं आपको दे दूंगा वो. दूसरा था polarization by reflection, and this is the third method. तो first वाला जो method था उसके अंदर हमने कौन सा law देखा, which is the law associated with the polarization by polaroids? What was that law? Intensity goes on reducing. Malus law. MALUS, Malus law. ठीक है, दूसरा जो लॉ इसके लिए हमने देखा था ब्रिस्टर्स लॉ, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन. क्वाइट प्लीज. और अब हम तीसरा वाला मेथड देखने जा रहे हैं यहां पे, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग. ओके, स्कैटरिंग क्या होता है? व्हाट इज मेंट बाय द स्कैटरिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल, द सनलाइट व्हेन इट इज ट्रैवलिंग
एंड इट इज कमिंग टू द अर्थ, जो सनलाइट यहां पर पहुंचते हैं, दे आर कमिंग अक्रॉस सर्टन पार्टिकल्स, एयर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर स्केटरिंग होने के लिए जरूरी क्या है, द साइज ऑफ द स्कैटर शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट, दिस इज एसेंशियल। क्या जरूरी है यहां पे, एसेंशियल थिंग, साइज ऑफ द स्कैटर, साइज ऑफ द स्कैटर शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट, वेवलेंथ ऑफ द लाइट उसके साथ वो कंपेरेबल होना चाहिए, ठीक है। सो व्हेन द सनलाइट स्ट्राइक्स एयर मॉलिक्यूल्स और डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर, इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन जब वो चेंज कर, दिस इज कॉल्ड एज स्केटरिंग। वी सी द स्काई एज ब्लू, इस ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज सीन बिकॉज ऑफ दैट ओनली। क्या होता है वहां पे, देयर इज वन मोर लॉ व्हिच दे हैवंट गिवन हियर, यहां पर वो दिया नहीं है, लॉ ऑफ स्कैटरिंग, रिलेज लॉ, उसे कहते हैं रिलेज लॉ। आई विल टॉक अबाउट दिस रिलेज लॉ लेटर ऑन, ठीक है। देयर आर टू थिंग्स एसोसिएटेड हियर व्हाई, ये शायद हमने लास्ट ईयर देखा था रिलेज लॉ, नहीं वो रिलेज क्राइटेरिया है, रिलेज क्राइटेरिया इज डिफरेंट, वो हमने डिफ्रैक्शन में देखा था, प्लीज डोंट गेट इट कंफ्यूज विद दिस, ठीक है। रिलेज लॉ क्या है, रिलेज लॉ मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके पास लॉ, रिलेज लॉ इज एसोसिएटेड विद ब्लू कलर ऑफ द स्काई, व्हाई, देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आई विल आस्क यू। फर्स्ट, व्हाई द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू, सेकेंड, व्हाई सिग्नल्स आर मेड अप ऑफ रेड कलर एंड नॉट ब्लू कलर, व्हाई कैन बी सीन फ्रॉम फार, हाईएस्ट वेवलेंथ मतलब, सॉरी, हाँ तो आप मुझे बताइए ब्लू कलर और रेड कलर में किसका कितना वेवलेंथ है, मतलब जनरली अगर हम देखे बात करें तो, हमने परसों ही बात करी है, विप जी और जो रहता है, हाँ तो रेड कलर का वेवलेंथ होता है 700 नैनोमीटर, ओके, एंड दिस इज 400 नैनोमीटर, ब्लू कलर इज ऑलमोस्ट वेरी नियर टू वायलेट कलर, मतलब ये तीनों जो है वो ब्लू बैंड फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म द ब्लू बैंड, वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू कलर, दे फॉर्म द ब्लू बैंड, ठीक है। नाउ अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा रेस टू 4, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, जिसका लैम्बडा ज्यादा उसका स्कैटरिंग कम, या तो अगर यहां पर हम बात करें कि रेड कलर और इसका अगर वेवलेंथ की बात करें तो ब्लू कलर का लैम्बडा, आई वुड से लैम्बडा फॉर ब्लू कलर और लैम्बडा फॉर रेड कलर इज ऑलमोस्ट आई गेस 2 times या 1.2 times या 1.8 times, ऐसा कुछ तो है, कितना आएगा ये ब्लू कलर का लैम्बडा और ये, इफ आई कंपेयर, अगर हम अप्रोक्सीमेटली 2 times भी कंसिडर करें, ट्वाइस से फॉर एग्जाम्पल 2 times भी कंसिडर करें, तो अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग जो होगा इसका, अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग फॉर रेड एंड अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग फॉर ब्लू, इफ आई कंपेयर व्हाट रेशियो इट्स गोइंग टू गिव, अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग की, तो अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग फॉर रेड वाला लाइट और फॉर ब्लू वाला लाइट फॉर दैट सेक इज अप्रोक्सीमेटली 16 times अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग फॉर रेड लाइट। सो विच लाइट स्कैटर्स द मोस्ट, ब्लू कलर का लाइट, एंड विच लाइट स्कैटर्स द लीस्ट, रेड लाइट। स्कैटर का मतलब है, अब अगर इसलिए ब्लू लाइट अगर ज्यादा स्कैटर होता है तो जो भी कुछ व्हाइट लाइट इज कमिंग, व्हाइट लाइट इज कंप्राइजिंग ऑफ ऑल दीज लाइट्स, ऑल दीज कलर्स, तो आते समय कौन सा कलर ज्यादा स्कैटर हो रहा है,
ब्लू, इसलिए अपने को ब्लू कलर लाइट, ब्लू कलर ऑफ द स्काई दिखता है. डिड यू अंडरस्टैंड दैट? एटमॉस्फेयर से आते समय वो ज्यादा स्कैटर हो रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? ओके, सेम रीजन, दिस इज द सेम रीजन वी एड रॉबिन ब्लू लिक्विड. होता है ना, क्या बोलते हैं, रॉबिन ब्लू कपड़े, व्हाइट कलर के कपड़े को अगर आप क्या बोलते हैं, नील बोलते हैं ना, सो रॉबिन ब्लू लिक्विड, तो उसको अगर व्हाइट कलर के कपड़े को अगर रॉबिन ब्लू में डालोगे तो डाइंग करता है ना. जो वॉशरमैन ऑल्सो वो ब्लू कलर यूज करता है. व्हाइट कलर जो है एक्चुअली अपने को देखते समय भी प्लेन व्हाइट, अपने को प्लेन व्हाइट दिखता ही नहीं है, वो डल व्हाइट दिखता है. टू मेक इट ब्राइट व्हाइट ब्लू कलर इज यूज. व्हाई? द सेम रीजन, इट इज द ऑप्टिकल इल्यूजन. एक्चुअली इट इज ऑप्टिकल इल्यूजन. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर? क्योंकि ब्लू कलर इज मिसिंग देयर व्हाट एवर वी सी. अगर व्हाइट लाइट हम दिखते हैं तो उसमें ब्लू कलर मिस हो जाता है, तो उसको ऐड करते हैं, उसमें ब्लू कलर का इफेक्ट जो होता है वो ऐड करेंगे, तो वहां पर क्लियर व्हाइट दिखता है अपने को. इज दिस क्लियर टू ऑल? एनी डाउट्स अबाउट दैट? दिस इज द रीजन इफ द सिग्नल्स आर मेड अप ऑफ ब्लू कलर, क्या होगा? दूर से जो है वो सिग्नल ब्लू कलर का है या किसी और कलर का है पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वहां से आने वाला जो ब्लू कलर का लाइट है स्कैटर हो रहा है. इज दिस क्लियर टू ऑल? रेड कलर्स स्कैटर्स द लीस्ट. रेड कलर्स स्कैटर्स द लीस्ट. दिस इज रिलेज लॉ. 11th 11वीं कक्षा में था ये, 11वीं कक्षा में था. इज दैट क्लियर? अब व्हाई, सुनो, व्हाई जो एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट वी सी द रेड कलर ऑफ द सन, एक्चुअली सन इज गिविंग द व्हाइट कलर, तो वहां से ब्लू कलर गायब हो जाता है आते समय. तो कौन सा कलर हम तक पहुंचता है? रेड, येलो, ऑरेंज. इसलिए एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट वी सी दैट थिंग ओवर देयर. इज दिस क्लियर टू ऑल? दीज आर द वेरियस रीजंस और दीज आर द वेरियस थिंग्स विच आर एसोसिएटेड विद द स्कैटरिंग इफेक्ट. Relay's law and this information, amount of scattering, this is Relay's law, amount of scattering is inversely proportional to the fourth power of the wavelength. So lambda for red light is approximately 2 times that of for the blue light. So amount of scattering for the blue light is 16 times that of the red light. Red light scatters the least, blue light scatters the most. Blue, then indigo, violet, these are the related lights. लेकिन इंडिगो जो दूर से आप देखोगे तो वो ब्लू ब्लाइंड में ही चला जाता है. अच्छा सुनो मेरी बात, और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सीक्वेंस को अगर देखें आप, इफ यू लुक एट दिस सीक्वेंस, तो लॉजिकली यहां पर नंबर के हिसाब से ग्रीन लाइट शुड बी द मिडिल कलर, विच इज नॉट, क्योंकि द ब्रांड द व्हाट इज द विड्थ ऑक्यूपाइड बाय ईच कलर इफ वी सी, देन येलो कलर इज द मिडिल मोस्ट कलर विड्थ वाइज. तो ये जो है ऊपर के ये ज्यादा बैंड ऑक्यूपाई करते हैं और ये चार कलर कम बैंड ऑक्यूपाई करते हैं. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? लॉजिकली यहां पर अगर हम देखें, आप लोगों ने कभी रेनबो देखा होगा लेकिन इतने गौर से नहीं देखा होगा. इफ यू सी, आप गूगल आउट कर लो इन चीजों को, कि अगर आप देखते हो तो लॉजिकली स्पीकिंग वहां पर जो दिख रहा है सीक्वेंस उसके हिसाब से ग्रीन कलर इज द मिडिल मोस्ट कलर, विच इज नॉट द फैक्ट. विच इज द मिडिल मोस्ट कलर देयर? येलो कलर इज द मिडिल मोस्ट कलर. इज दैट क्लियर? व्हाई? बिकॉज द विड्थ ऑक्यूपाइड, जो वो जो बैंड आता है, कलर बैंड आता है, उसमें विड्थ ऑक्यूपाइड बाय दीज टू कलर्स इज सेम एज दैट ऑफ द विड्थ ऑक्यूपाइड बाय दीज फोर कलर्स. इज दैट क्लियर? एनी डाउट्स अबाउट दैट? तो ब्लू वाला इफेक्ट वो अपने आप कम होता है. ब्लू, इंडिगो, वायलेट आप लोग उसको इसके हिसाब से नहीं, इसका नहीं, लेकिन वहां पर जो टोटल इफेक्ट आता है वो ब्लू इफेक्ट ही आता है. इज दैट क्लियर? अब इसी से रिलेटेड देर आर टू थिंग्स, वन इज कॉल्ड एज रेड शिफ्ट एंड द अदर इज कॉल्ड एज ब्लू शिफ्ट, जो अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं आपको. रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट विच इज रिलेटेड टू द डॉपलर इफेक्ट. आई टॉक्ड अबाउट दैट डॉपलर इफेक्ट विच वी आर गोइंग टू सी इन द साउंड वेव्स. ठीक है, तो ये रेड इज वन एक्सट्रीम कलर एंड ब्लू इज अदर एक्सट्रीम कलर. ब्लू इज कंसिडर्ड टू बी द अदर एक्सट्रीम कलर. इज दैट क्लियर? इसीलिए उसको नाम दिया जाता है रेड शिफ्ट, मतलब ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा वो, या फिर ब्लू शिफ्ट which is shifting it down. Is that okay? Anyways, coming back to, तो अब यहां पर हम बात करेंगे, let's come back to this part. Now, this was about the scattering. Scattering के बारे में मैंने बहुत सारी बातें कर लिया. Scattering के लिए क्या जरूरी होता है? जो scattering के लिए जो scatter होता है उसका size जो होता है वो comparable होना चाहिए.
उसका डायमीटर है, इट शुड बी कंपेरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ द लाइट दैट इज बीइंग स्कैटर्ड. तो यहां पर व्हाट आर द थिंग्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कैटरिंग? एयर मॉलिक्यूल्स, डस्ट पार्टिकल्स. ठीक है, देखते हैं यहां पे. इन द एटमोस्फियर इट चेंजेस द डायरेक्शन. चेंज करता है डायरेक्शन, मतलब वो अलग अलग दिशाओं में जाता है. जैसे कि यहां पर डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि दिस इज अनपोलराइज लाइट. इस मॉलिक्यूल के ऊपर, एयर मॉलिक्यूल या डस्ट पार्टिकल के ऊपर अगर वो स्ट्राइक करेगा तो उसका जो एटम है, उसका एटम विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग. वाइब्रेट करेगा वो, किसी भी एक दिशा में वाइब्रेट करेगा. शायद वर्टिकल करेगा, हॉरिजॉन्टल करेगा, दो तीन दिशाओं में करेगा. एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट इट विल गिव आउट द लाइट, मतलब द लाइट इज गेटिंग स्कैटर्ड. इज दिस क्लियर टू ऑल? एनी डाउट्स अबाउट दैट? ठीक है, इसके लिए एक बहुत अच्छा वीडियो है, वो भी हम लास्ट में देखेंगे यहाँ पे, या फिर मैं आपको फॉरवर्ड कर लूंगा, आप लोग देख लेना इसके ऊपर, ग्रुप में देख लेना. वी सी द स्काई ब्लू, स्काई एज ब्लू बिकॉज ऑफ दिस स्कैटरिंग, एज ब्लू लाइट इज प्रेफरेंशियली स्कैटर्ड. वाई इट इज स्कैटर्ड द मोस्ट, आई टॉक्ड अबाउट दिस. इस सिंगल स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए पिछले 15 मिनट मैंने स्पेंड किया यहाँ पे. इफ देर आर देर वेर नो स्कैटरिंग, अगर स्कैटरिंग नहीं दिखता तो स्काई अपने को ब्लैक दिखता. हाँ, क्योंकि लाइट यहां पर आ रहा है वो स्कैटर ही नहीं हो रहा है कहीं पे, तो व्हाइट क्यों दिखेगा? ब्लू क्यों दिख रहा है? क्योंकि ब्लू कलर इज स्कैटरिंग, व्हाइट कलर स्कैटर नहीं हो रहा है. हाँ, तो सन से आएगा तो इधर पहुंच गया, ठीक है, उधर ब्लैक ही दिखेगा. इधर से जो रे ऑफ लाइट है वो सिर्फ दिखेगा आपको व्हाइट, इधर उधर तुमको. अच्छा, ओके हाँ. तो स्काई वुड अपीयर डार्क टू अस एज लॉन्ग एज वी डू नॉट डायरेक्टली लुक एट द सन. एज लॉन्ग एज वी डू नॉट डायरेक्टली लुक एट द सन, और वी कुड सी द स्टार्स इवन ड्यूरिंग द डे. क्योंकि स्काई तो ब्लैक ही रहता ना, तो स्टार्स आपको दिन में दिखता, दिन में तारे दिखते आपको, तारे जमीन पर होते. When the sunlight is scattered, it gets partially polarized. हाँ, तो ये scattering के दौरान ही उसका polarization होता है. This is one more way of polarization. यहाँ पर polarization actually कैसे होता है वो दिया ही नहीं है, सिर्फ ये दिया है कि polarization also takes place because of the scattering effect. Is that clear? The phenomenon is not explained or expressed here, not expected. ठीक है? In the way similar to the reflected light as seen in the figure, जो भी दिया है. The degree of polarization depends upon the angle of scattering. किस angle से वो scatter कर रहा है? अब देखिए यहाँ पर तीन rays निकल रहे हैं. एक सीधा जा रहा है, एक थोड़ा सा refract होके जा रहा है, और एक 90 degrees में जा रहा है. ये 90 degrees में जा रहा है. Is that clear? तो ये जो 90 degree में जाने वाला है वो polarized होता है. Light ऐसे आ रहा है, और जो 90 degree में bend होके जाता है वो plane polarized होता है. Is that clear? The degree of polarization depends on the angle of scattering. That is the angle between the direction of light incident on the molecule or the dust particle and the direction of the scattered light. In dono ka jo angle hai, this angle they are calling, this is the angle of scattering. Is this clear to all? Any doubts about that? Theek hai? If this angle is 90 degree, the scattered light is plane polarized. Yehi maine aapko bata diya. Yahan par unpolarized light, koi polarization nahi hai. जैसे जैसे ये एंगल बढ़ता जाएगा वैसे उसका अमाउंट ऑफ और डिग्री और एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन बढ़ता जाएगा. और कंप्लीटली पोलराइज्ड वो कब होता है? 90 डिग्री में. तो यहां पर देर आर मेनी अदर आल्सो रेज. इज दिस ओके? जो जो ऑब्जर्वर इस लाइट को देखता है उसको पार्शियली पोलराइज्ड दिखेगा लाइट. जो ऑब्जर्वर उसको यहां से देख रहा है उसको अनपोलराइज दिखेगा, और जो ऑब्जर्वर उसको यहां से देख पा रहा है उसको कंप्लीटली पोलराइज लाइट दिखेगा. इज दिस क्लियर टू ऑल? एनी डाउट्स अबाउट दैट? समझ में आ गया? दस द स्कैटर्ड लाइट रीचिंग अस फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शंस इन द स्काई इज पोलराइज्ड टू डिफरेंट डिग्रीज. अलग अलग ऑब्जर्वर्स को, तो फॉर दिस पर्टिकुलर रे ऑफ लाइट दिस इज द केस, लेकिन इस पार्टिकल की वजह से या बाकी अलग पार्टिकल्स की वजह से यहां पर और भी कई डायरेक्शन से लाइट आ रहा है, तो वो अनपोलराइज रह सकता है, कंप्लीटली पोलराइज हो सकता है, या पार्शियली पोलराइज भी हो सकता है. इज दिस क्लियर टू ऑल? एनी डाउट्स अबाउट दैट? ऑलराइट, पोलराइजेशन इज ओवर हियर. पोलराइजेशन का थियोरी खत्म हो गया है, अब हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी. इज दैट क्लियर? या